या हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ दिस सीरीज, जिसमें हम लोग टैबलू सीख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग टैबलू ओपन कर लेंगे। ओके, वंस ये टैबलू ओपन हो जाएगा तो लास्ट लेक्चर में आपने इसको सेव किया था लर्निंग टैबलू से, इसे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ये आपका, तो पहले हमने डेटा सोर्स यूज किया था कॉपी चेन, एंड सेकंड हमने यूज किया था सैंपल सुपर स्टोर, जिसमें हमने सिर्फ ली थी ऑर्डर्स टेबल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे आपकी शीट्स हैं, रेंडर्ड एक्सेस। फिर हमने लर्न किया था सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। आज हम लर्न करेंगे फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब क्या है कि कितना डेटा हमको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले फिल्टरिंग के लिए हम एक न्यू डेटा सोर्स क्रिएट करेंगे। तो आप जाएंगे डेटा पर, क्लिक करेंगे न्यू डेटा सोर्स, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आप फिर से पिक करेंगे सैंपल सुपर स्टोर। न्यू डेटा सोर्स हम क्यों बना रहे हैं अभी आपको पता चलता है। तो लास्ट वाले में हमने क्या बनाया था, सिर्फ ऑर्डर्स। आज हम क्या करेंगे, ऑर्डर्स लेंगे इसको ट्रैक करेंगे, फिर पीपल टेबल लेंगे इसको ट्रैक करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली इसने क्या किया है, रिलेशनशिप बना दी है, पर हमें रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ज्वाइन चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ना लेक्चर स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि हम यहाँ पर कैसे एक एक टेबल को दूसरी टेबल से मर्ज भी कर सकते हैं, या ज्वाइन भी कर सकते हैं, या रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एरो है ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करिए और इसे ओपन करिए। ठीक, ओपन में फिर यहाँ पर आप पीपल टेबल लेके आइए, यहाँ पर तरीके से ड्रॉप करिए, ये ड्रॉप हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ज्वाइन क्रिएट होता है, इसे कहते हैं इनर ज्वाइन। तो ज्वाइंस ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट एक जनरल आइडिया आपको दे देता हूँ। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं दोनों टेबल में कॉमन था रीजन, तो इसने क्या किया, इनर ज्वाइन कर दिया। इनर ज्वाइन मतलब क्या होगा, इस टेबल से और इस टेबल से जो कॉमन होगा ना, जैसे आप देख सकते हैं वेन डायग्राम में जो कॉमन होगा बस उतना डेटा आएगा। अगर लेफ्ट ज्वाइन होगा तो ऑर्डर्स का सारा डेटा आएगा, और लेफ्ट आउट जितना बच्चा होगा जो इसमें कॉमन होगा वो स्टेबल से आएगा। अगर राइट राइट ज्वाइन होगा तो सारा डेटा राइट राइट टेबल का होगा, एंड ओनली उतना डेटा आएगा जो इसमें कॉमन लिंकेज होगा। ठीक है, फुल में क्या होता है, फुल आउटर ज्वाइन में दोनों डेटा आ जाएगा, इसे कहते हैं क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, तो हमें सिर्फ इनर चाहिए, मतलब इस टेबल और इस टेबल का, दोनों टेबल का सिर्फ कॉमन पर रीजन के बेसिस। ठीक है, से आप से बंद कर दीजिए। एंड वंस ये बन गया, इस पे आप क्लिक करिए नो, तो आप देख सकते हैं एक नया डेटा सोर्स आ गया, इसमें लिखा है ऑर्डर्स प्लस, मतलब इसमें वन और मोर टेबल्स प्रेजेंट। तो अब आपके तीन डेटा सोर्सेस हो गए, कॉफी चेन, एक ऑर्डर वाला, ऑर्डर्स वाले में हमने सॉर्टिंग सीखी थी, और आज हम इसमें फिल्टरिंग सीखेंगे। तो अगर आप देखेंगे इसका व्यू तो कैसा डिफरेंट है, अगर आप देखेंगे तो इसमें पीपल के टेबल के भी आ गए कॉलम्स, एंड हमारे ऑलरेडी जो ऑर्डर्स में थे कॉलम्स वो तो आ ही गए। ठीक है, तो यहां तक आप जरा इसको क्रिएट करिए, पहले क्रिएट करने के बाद वही सेव हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे पहले आप क्या करिएगा कि अब इसमें हम कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं कॉलम्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं रीजन, तो रीजन हमारा कॉमन था दोनों में, है ना, तो रीजन को आप पुट करिए रोज। तो आपका देखिए रीजन्स आ गए, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, फिर आप क्या करिए, पर्सन लीजिए, पर्सन। ठीक है, पर्सन इधर से पिक करिए और इसको भी यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं पर्सन भी हमारे आ गए। ठीक है, पर्सन पुट करने के बाद आपको क्या करना है, अब ये देखेंगे दोनों, ये पीपल वन से ये आ गया। ठीक है, ये रीजन कॉमन था शेयर एंड पीपल भी कॉमन था। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लेते हैं कस्टमर नेम, यहाँ कॉलम्स में पुट कर देते हैं। ठीक है, एड ऑल मेंबर्स करिएगा, पूछ लेता पहले, एड ऑल मेंबर्स कर दीजिए। देखिए सारे मेंबर्स हमारे आ गए, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए डिस्टिंक्ट। ठीक है,
किसमें डिस्टिंक्ट। तो इसमें एरो पे क्लिक करिए और देखिए जाइए मेजर्स पे एंड काउंट डिस्टिंक्ट, इसको क्लिक करिए। तो देखिए इस तरीके से आपका कोई चार्ट आ गया, ठीक है। तो कितने डिस्टिंक्ट थे, मतलब इसमें अगर आप देखिएगा पर्सन, इस पर्सन में इसमें डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ कस्टमर नेम कितनी बार काउंट आया है, तो 629 टाइम्स आया, ठीक है। इसमें सिक्स, इसमें कितनी बार आया, 674 टाइम्स, ओके। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब सॉर्ट, अभी इसमें क्या करना है, हमें फिल्टर करना है। तो फिल्टर के लिए एक सबसे इजी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाइएगा ऑर्डर डेट पे, ये देखिए ऑर्डर डेट पे गए, यहाँ पर क्लिक करिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कई ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ पर करिए शो फिल्टर, शो फिल्टर क्लिक किया तो देखिए एक तरीके का फिल्टर यहाँ पर आ गया, ओके। तो इसमें अभी जो डेटा है वो सारे ईयर्स का है, हमें क्या करना है, अगर सिर्फ 2015 का देखना है तो 2015 से सेलेक्ट करिए। तो देखिए ये जो डेटा है ये 2015 का है, ठीक है। अगर सिर्फ हमें 2013 का देखना है तो 2013 का हम देख लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें 2016 का देखना है तो 16 का, दोनों का आ गया, 13 है 16 का, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना कि इसमें हम लोग ने बनाया क्या है, इसमें हमने एक्चुअली बनाया है कि रीजनल मैनेजर विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो देखिए समझिए ये रीजनल मैनेजर है, इनके पास कितने कस्टमर, ठीक है। तो 15 में तो ये क्या हो गया, परफॉर्मेंस, एक टाइप ऑफ एनालिसिस हो गई, रीजनल एनालिसिस, ठीक है। रीजन के बेस पे जो हमारे पर्सन है ये हमारे इसमें कितने कस्टमर्स लेके आ रहे। तो सबसे देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा है एना का, ठीक है। अगर हम 13 का देखना चाहते हैं, 14 का देखना चाहते हैं तो 14 में भी एना ही, वेरी गुड। और माइट भी अगर किसी में चेंजेस होगा तो हमें पता चल जाएगा, हाँ मोस्टली वही है, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट कर रहे हैं, आप समझ गए इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से फिल्टर का। तो सिर्फ फर्स्ट फिल्टर ऑर्डर डेट के हिसाब से हमने यहाँ पर कर दिया, और ये हमारा फिल्टर का यहाँ पर एक तरीके से एक विजेट आ जाती है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है इसमें, शीट 3 जो है ना इसका नेम पुट कर दीजिए, जैसे मैंने बताया आपको ये क्या था, रीजनल एनालिसिस, इसको लिख दीजिए रीजनल एनालिसिस, ठीक है। वंस ये हो गया इसको आप क्लोज करिए एंड इसको सेव कर दीजिएगा, यस कर। वंस ये सेव हो गई, सेव कर रहा है सर्वर, सर्वर पे सेव करने के बाद ये आपको एक्चुअली सर्वर पे दिखाएगा, यहाँ देखिए ये सेव हो गई, इस तरीके से लर्निंग टैब में आपका ये सेव हो जाएगी, ठीक। एंड हमने ये सेलेक्ट किया था 2015, ओके। थैंक यू, कीप लर्निंग, इसमें थोड़ी और प्रैक्टिस करिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे सॉर्टिंग क्या होता है, फिल्टरिंग क्या होता है, ठीक है। फिल्टरिंग का एक एग्जाम्पल था ये, आप एक और एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं इसी तरीके से। तो एज वी मूव ऑन हम लोग ऐसे ही लर्न करते चलेंगे। थैंक यू, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।